मध्य प्रदेश के नीमच में एक रोचक वाकया सामने आया है, जिसमें शहर के चूड़ी गली इलाके में पालतू कुत्ते ने एक महिला को काट लिया। बस इसके बाद पीड़िता पहुंच गई केंट थाने और फिर पुलिस ने इस मामले में FIR भी काट दी। दरअसल पूरा वाकया कुछ यूं है कि सुबह नगर पालिका की कुछ सफाई कर्मी महिलाएं स्थानीय चूड़ी गली में सफाई कर रही थी। इस दौरान मोहल्ले के पीयूष जायसवाल के पालतू कुत्ते ने सफाई कर्मी शीलाबाई को गंभीर रूप से काट लिया। इस घटना से महिला दहशत में आ गई। वहीं अन्य सफाई कर्मियों ने महिला को कुत्ते से छुड़ाया और तुरंत जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची। कुत्ते के काटने से महिला गंभीर घायल हो गई। सूचना मिलने पर नगरपालिका के अन्य कर्मचारी और दरोगा भी चिकित्सालय पहुंचे, जहां महिला का उपचार कराया। उसके बाद महिला केन थाने कुत्ता एवं कुत्ता मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची। अजब मामला देख पुलिसकर्मी भी पसों पेश में पड़ गए। उनका कहना था कि आखिर वह कुत्ते के खिलाफ कार्रवाई करे तो क्या, पहले मान मनोबल का प्रयास हुआ, लेकिन जब इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आए तो पुलिस ने कुत्ते के मालिक पीयूष जायसवाल के खिलाफ धारा 390 में प्रकरण दर्ज किया है। पीयूष जायसवाल चूड़ी गली में रहता, मैं चूड़ी गली में काम करने गई थी और कुत्ता तो घुमा रहा था, उन्होंने बचाव नहीं करा, उसका मोबाइल गिर गया, मोबाइल ढूंढने में लगा दिया और कुत्ते ने जगह जगह से फाट दी, ये उंगली भी चाप गई मेरे हाथ की, कुत्ते दारोगा को बुलाया, मेरे संग में थे, उसने मेरे को चुटवाई, सूरज भाई ने चुटवाई मेरे को, उन्हें फिर अस्पताल लेके आया मेरे को, दारोगा साहब ने सब आ गए थे कर्मचारी हमारे, वो अस्पताल लेके। महिला आई थी यहाँ पे जिसका नाम है शीलाबाई, शीलाबाई पति रामजी लाल हरिजन, ये सुबह अपने चूड़ी गली में झाड़ू निकाल रही थी और तो एक पीयूष नाम का व्यक्ति, पीयूष पिता संजय जी जायसवाल, ये अपने दो कुत्ते को लेके घुमाने आया था, तो इसी दौरान उसके कुत्ते ने उस महिला के हाथ में दोनों हाथों में काट लिया। IPC की है 289 IPC भादवी की है, तो इस प्रकरण दर्ज किया है पीयूष के खिलाफ। इसमें ASI स्तर के अधिकारी है जो जांच कर रहे हैं इसके। अब ये तो कुत्ते उसने पाले हैं और सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं, तक का तो अभी पहला मामला है, एक बार पहले भी हुआ था तो उसमें भी इसी काई में